पहले हम लोग ग्रुप भी देख चुके हैं, जिसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए हम उसको देखते हैं। यही 6 नंबर क्वेश्चन बचा था। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कलर बर्स्टिंग, यानी कलर बर्स्टिंग से आप क्या समझते हैं। कलर बर्स्टिंग का अर्थ हुआ कि फोटो का फटना, यानी रंग का फटना। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कह रहा है कलर ब्रस्ट इज एन एनालॉग वीडियो। कलर ब्रस्ट जो है एक एनालॉग वीडियो है। कंपोजिट वीडियो सिग्नल जनरेटेड बाय ए वीडियो सिग्नल जनरेटर, यह एक वीडियो सिग्नल जनरेटर द्वारा उत्पन्न होता है। यूज टू कीप द क्रोमियंस सब कैरियर स्क्रीनाइज इन कलर टेलीविजन सिग्नल, यानी कि रंगीन टेलीविजन में इसका उपयोग क्रोमियंस को सब कैरियर द्वारा स्क्रीनाइज करने के लिए किया जाता है, मतलब दिखाने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन बैंक का है, सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। ग्रुप बी खत्म हो चुका है, ग्रुप सी देखते हैं। ग्रुप सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी 7 नंबर, एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ सीसीटीवी विद द ब्लॉक डायग्राम। चलिए देखते हैं पहले सीसीटीवी क्या होता है। व्हाट इज सीसीटीवी, यानी सीसीटीवी क्या है। द सीसीटीवी इज ए वीडियो सिस्टम इन विच स्पेसिफिकली प्लेस कैमरा रिकॉर्ड वीडियो सिंगल इमेज एंड ट्रांसमिट दीज टू ए मॉनिटर, यानी कि सीसीटीवी जो है एक वीडियो सिग्नल है, यानी कि वीडियो सिस्टम है, जिसका उपयोग हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा के द्वारा और इसे एक मॉनिटर पर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि विथ ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल बीइंग एबल टू एक्सेस इट, और इसको कम ही लोग एक्सेस कर पाते हैं क्योंकि इसे मॉनिटर पर ट्रांसमिट किया जाता है। आगे कह रहा है कि हाउ डू सीसीटीवी कैमरा वर्क, सीसीटीवी कैमरा वर्क कैसे करता है, चलिए देखते हैं। सीसीटीवी स्टैंड फॉर क्लोज सर्किट टेलीविजन, यह एक क्लोज मतलब यह बंद सर्किट टेलीविजन है। एंड इट इज यूज इन बिल्डिंग एंड होम फॉर सिक्योरिटी पर्पस, और इसका उपयोग घरों में सुरक्षा के दृष्टि से किया जाता है, यानी कोई सामान अगर चोरी हो रहा है तो सीसीटीवी कैमरा से पकड़ सकते हैं। आई कर द गुड थिंग्स अबाउट सीसीटीवी सिस्टम इज डैट इट, सीसीटीवी कैमरा का एक खासियत, अच्छी खासियत कि इट कैन यूज टू और मोर कैमरा, यानी सीसीटीवी कैमरा का अच्छा खासियत यह है कि यह दो या दो से अधिक भी कैमरा का उपयोग कर सकते हैं, यानी लगा सकते हैं कैमरा। आई कह रहा है हाउ डू दिस कैमरा वर्क, यानी कि इसका कैमरा कैसे वर्क करेगा इसके बारे में हम देखते हैं। दे आर जस्ट लाइक द ऑर्डिनरी वीडियो कैमरा, यह एक ऑर्डिनरी वीडियो कैमरा के जैसा है। ऑल थ्रो दे हैव सेवरल यूनिक फीचर, और इसमें एक यूनिक गुण होता है, जैसे फॉर मतलब जैसे इंस्टेंस दे कम विथ मोनिटर दैट हेल्प देम टू ऑपरेट ऑन देयर ओन। दे कैन ऑल्सो यूज वायरलेस ट्रांसमिशन, सेंड इमेज टू मोनिटर, और यह जो होता है कैमरा वह बिना तार के सहायता से, यानी वायरलेस वीडियो कैमरा जो रिकॉर्ड करता है उसको मॉनिटर पर प्रसारित करता है। आगे कह रहा है वन ऑफ द मॉनिटर हैज रिसीव द इमेज, मैंने एक बार मॉनिटर इमेज को रिसीव कर लेता है। इट सेंड देम द वीडियो टाइप और डीवीआर, और उसके बाद यह डीवीआर को या टाइप को सेंड कर देता है। द कैमरा ऑल्सो हैव एबिलिटी टू जूम इन आउट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लेंस देयर, और इसके वीडियो की जूम की
क्वालिटी वह लेंस की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। यह इसका ब्लॉक डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिमोट कंट्रोल एंड इट एक्सप्लेन्स वर्किंग। तो ब्लॉक डायग्राम बनाना है रिमोट कंट्रोल का और इसके वर्किंग के बारे में चर्चा करना है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि द फर्स्ट रिमोट कंट्रोलर वेयर डेवलप्ड इन द ईयरली 1990, यानी फर्स्ट रिमोट कंट्रोलर का आविष्कार 1990 में हुआ। एंड इट द फर्स्ट रिमोट वेयर कनेक्टेड विद द वायर टू डिवाइस, और जो फर्स्ट रिमोट कंट्रोल जो आविष्कार हुआ वह तार के सहारे डिवाइस से जुड़ा होता था। नाउ डेज रिमोट कंट्रोल यूज इंफ्रारेड कंट्रोल, अभी के समय में जो रिमोट कंट्रोल है वो इंफ्रारेड कंट्रोल है। दस आर कैपेबल फॉर कंट्रोलिंग सेवरल थिंग्स एट टाइम, और एक ही समय में बहुत से डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, यानी क्षमता रखता है कंट्रोल करने का। आई कह रहा है द रिमोट आर नॉट ओनली यूज फॉर इंटरटेनमेंट बट ऑल्सो फॉर इंडस्ट्री मिलिट्री रिक्वायरमेंट एंड रिक्रिएशन, यानी जो रिमोट कंट्रोल है उसका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री में, मिलिट्री में और रिक्रिएशन में भी किया जाता है। इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल्स वेयर डेवलप्ड इन द लेट 1970, इंफ्रारेड जो रिमोट कंट्रोल है उसका खोज 1970 में हुआ। दिस रिमोट कंट्रोल आर इंफ्रारेड लाइट, और यह इंफ्रारेड लाइट पर आधारित है। एंड फोटो रिसेप्टर एंड डिफरेंट लाइट फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट फंक्शन, और अलग अलग आवृत्ति वाले, मतलब आवृत्ति वाले लाइट के लिए अलग अलग फोटो रिसेप्टर होता है। दिस रिमोट ऑल्सो यूज इन विजुअल लाइट बीम टू सेंड सिग्नल टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और यह रिमोट इन विजुअल यानी नहीं दिखने वाले लाइट बीम का उपयोग करता है सिग्नल को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से में भेजने के लिए। तो ये तो इसका वर्किंग था, ये ब्लॉक डायग्राम रिमोट कंट्रोल का देख लीजिए, ये ब्लॉक डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोनोक्रोम टीवी रिसीवर एंड एक्सप्लेन इट ईच ब्लॉक, यानी कि टीवी रिसीवर का ये जो है मोनोक्रोम उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। जो ब्लॉक डायग्राम है, जो यह ब्लॉक बनता है इस तरह का, उसके बारे में भी कुछ बताना है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। ये कह रहा है मोनोक्रोम टीवी रिसीवर हैज फॉलोइंग ब्लॉक, यानी मोनोक्रोम टीवी रिसीवर में निम्नलिखित ब्लॉक है। तो चलिए एक नंबर इसे देखते हैं, टीवी रिसीविंग एरियल, यानी जो टीवी रिसीवर में जो एंटीना लग रहा था उसके बारे में कह रहा है। तो देखिए, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कह रहा है टीवी रिसीविंग एरियल, द टीवी सिग्नल रेडिएटेड बाय द ट्रांसमीटर है टू बी इंटरसेप्ट, इन टीवी रिसीवर टीवी सिग्नल जो होता है उस ट्रांसमीटर को इंटरसेप्ट करता है। फॉर दिस एन एंटेना विथ हाई गेन, इसमें हाई गेन होता है एंड ब्रॉडबैंड एंड हाईली डायरेक्शनल, इसमें उच्च डायरेक्शनल का उपयोग किया जाता है यानी सही दिशा पकड़ने के लिए। यागी उडा मल्टी एलिमेंट आर एरे इन इज प्रिफेयर, और इसके लिए यागी उडा मल्टी मतलब सामग्री का राय दिया जाता है यानी प्रिफेयर किया जाता है। इम्पीडेंस ऑफ द एरियल शुड मैच द इम्पीडेंस फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, द एरियल ऑल्सो सेलेक्टेड द रिक्वायर्ड सिग्नल एंड रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल। और जो है टीवी रिसीविंग एरियल होता है वह मतलब आवश्यक सिग्नल को अवशोषित करता है यानी खींचता है, और अनावश्यक को छोड़ देता है, वैसे ही रहने देता है। चलिए दो नंबर देखते हैं, दो नंबर हमारा है ट्यूनर। ट्यूनर क्या है? तो ऑल्सो कॉल्ड RF ट्यूनर, ट्यूनर को RF ट्यूनर भी कहते हैं या फ्रंट एंड भी कहते हैं। कह रहा है सिग्नल फ्रॉम एरियल आर एम्पलीफाइड डाउन कन्वर्टेड टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बैंड एंड चैनल सिलेक्शन इज ऑल्सो सर्टिफाइड आउट हेयर, दिस इज सेपरेट सील्ड एंड रिवेट यूनिट माउंट अवे फ्रॉम अदर सर्किट,
यूनिट बॉडी इज ग्राउंडेड टू अवॉइड इंटरफेरेंस बाई अदर स्ट्रॉन्ग सिग्नल डिले एज सी यूज फॉर RF एम्पलीफायर। यानी कि यह होता है जो यह डाउन कन्वर्ट इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी का उपयोग करता है और यह बैंड और चैनल को सिलेक्ट करता है ताकि हमारा आवाज़ जो वो फ्रेश पहुँच सके साउंड। चलिए आगे देखते हैं। अगर 3 नंबर हमारा है VIF एम्पलीफायर। द आउटपुट ऑफ RF ट्यूनर हैज टू इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। जो RF ट्यूनर का जो आउटपुट होता है वह उसमें टू इंटरमीडिएट आवृत्ति होती है। डाइटी यानी जैसे कि VIF जो है वह मैंने इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF का मतलब होगा जो 38.9 मेगा हर्ट्ज है एंड साउंड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो है 33.5 बैंड विथ ऑफ 7 मेगा हर्ट्ज। मोस्ट ऑफ द एम्पलीफिकेशन एंड सिलेक्शन इज डन हियर। इसमें एम्पलीफिकेशन का सिलेक्शन अच्छा होता है यानी आवश्यक होता है। दिस इज ऑल्सो सेपरेट इन क्लोज यूनिट किल्ड एज सी इज यूज द बेस ऑफ फर्स्ट IF एम्पलीफायर। फर्स्ट IF इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर पर आधारित होता है और इसका AGC सी का उपयोग करता है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। इसका BTU डिटेक्टर। द आउटपुट ऑफ VIF सिलेक्शन इज अराउंड 2 to 5 वोल्ट PPP और यह 2 से 5 VPP के बीच में होता है यानी अराउंड होता है। दिस इज फेड टू BTU डिटेक्टर टू सेपरेट वेरियस सिग्नल डेट इज BTU एजेसी इंटर करियर SIF ए स्पेशल डायोड ड्रिवन इनटू सैचुरेशन हैज मेनी हार्मोनिक एट आउटपुट। इसके हार्मोनिक अर्थ हुआ लीनियर। इसके लिए यह लीनियर सैचुरेशन का बहुत सारे आउटपुट देता है। यूजिंग LPF सिग्नल एवव ऑफ 5 मेगाहर्ट्ज आज फिट आउट वह 79G हेवली डोप्ड पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड इज यूज फॉर डिटेक्शन। और वह जो होता है 79G यानी जर्मेनियम मतलब इसमें हेवी मतलब हाई क्वालिटी का डोप किया जाता है जिससे हम अच्छी तरह से डायोड से कॉन्टैक्ट हो सके और यह डिटेक्शन अच्छा दे सके। 5 नंबर है BTU आउटपुट एम्पलीफायर। आउटपुट ऑफ द BTU डिटेक्टर विच इज अराउंड 2 to 5 VPP यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इज एम्पलीफाइड बाई अ सिग्नल स्टेज ब्रॉडबैंड और यह सिग्नल स्टेज ब्रॉडबैंड द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है। वोल्टेज एम्पलीफायर इज गिवेन एन आउटपुट ऑफ 80 VPP और यह 80 VPP आउटपुट देता है। वेव ट्रैप इज यूज टू प्रिवेंट 5.5 मेगाहर्ट्ज और यह 5.5 मेगाहर्ट्ज का यूज करता है। इंटर करियर SIF 38.9 to 33.4 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू 5.5 मेगाहर्ट्ज एंड डिस्टर्ब द पिक्चर। आउटपुट ऑफ दिस एम्पलीफायर इज फेड टू पिक्चर ट्यूब। इसका आउटपुट जो होता है पिक्चर ट्यूब को फेड पिक्चर ट्यूब से एम्पलीफाई करता है। 5 नंबर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन के आउटपुट ऑफ SIF सेक्शन विच इज वीक AF सिग्नल इज एम्पलीफाइड बोथ इन द टर्म ऑफ वोल्टेज एंड पावर टू ड्राइव द लाउड स्पीकर फाइनली वी गेट साउंड आउटपुट। एंड जो होता है जब इसका आउटपुट जो SIF सेक्शन होता है वह बहुत ही कमज़ोर AF सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और इसका एक दो टर्म है एंड कंडीशन है वोल्टेज एंड पावर को
ड्राइव करके यानी भेज के लाउड स्पीकर तक पहुंचाना और फाइनली साउंड हमको प्रोवाइड करना। 10 नंबर कह रहा है पावर सप्लाई द वेरियस लेवल ऑफ डीसी वोल्टेज आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ टीवी रिसीवर, एंड टीवी रिसीवर को चलाने के लिए डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। सो 230 वोल्ट यानी 230 वोल्ट एंड 1 ओमेगा एसी टू रेक्टिफाइड फिल्टर एंड रेगुलेटर टू प्रोवाइड रिपल फ्री स्टीडली वोल्टेज टू वेरियस स्टेज हाउ इवर ड्यू टू मेनी एडवांटेज स्विच मोड पावर सप्लाइड आर वेडली यूज नो एन ए डे। यानी कि यह कह रहा है कि बहुत सारे इसका जो गुण होता है वह पावर सप्लाई के लिए वाइडली मतलब यूज होता है नाउ ए डे मतलब इन दिनों में। EHT एंड BHT रिक्वायर्ड ए पिक्चर ट्यूब टू ऑब्टेन फ्रॉम एक्सिलरी पावर सप्लाई यूजिंग लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर। यानी कि जो EHT और BHT जो है उसके लिए आवश्यक पिक्चर ट्यूब जो ऑब्टेन होता है वह पावर सप्लाई और लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर द्वारा होता है। 10 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ है। ब्लॉक डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका और में क्वेश्चन था ड्रॉ द सेक्शन व्यू ऑफ कलर पिक्चर ट्यूब एंड एक्सप्लेन इट ऑपरेशन। यानी कलर पिक्चर ट्यूब का जो होता है मतलब ब्लॉक डायग्राम बनाना है और इसका वर्किंग के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं कलर पिक्चर ट्यूब वर्किंग यानी इसका क्रिया देखते हैं। ए कलर पिक्चर ट्यूब वर्किंग रिक्वायर करेक्ट स्वीप करेंट यानी इसके लिए आवश्यक जो होता है वह करेंट होता है इनपुट वोल्टेज एंड ड्राइव वोल्टेज लिविंग साइड दिस वेरी क्विकली। द कलर पिक्चर ट्यूब वर्किंग हैज थ्री कैथोड और इलेक्ट्रॉन गन। ये कलर पिक्चर ट्यूब की जो क्रिया होती है वह इसमें 3 कैथोड और या इलेक्ट्रॉन गन होते हैं। दे मेनी बी लाइन और इन डेटा इंफॉर्मेशन इसमें मैंने बहुत सारे लाइन होते हैं और डेटा इंफॉर्मेशन होते हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ ईच कैथोड टू प्रोड्यूस एंड इलेक्ट्रॉन बीम विच यानी कि जो होता है इसकी क्रिया जो होता है कैथोड जो होता है और यह प्रोड्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन बीम को मतलब इलेक्ट्रॉन बीम को यह देता है प्रदान करता है। हैविंग बीन अफेक्टेड बाय वेरियस वोल्टेज एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड अलोंग इट्स पाथ और यह इसका जो बीम होता है वह जो होता है वह चुंबकीय फील्ड या अधिक वोल्टेज से प्रभावित होता है। आगे कह रहा है कि रीच द करेक्ट पार्ट ऑफ द बीम स्क्रीन प्रिसिपियली द राइट टाइम। द मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्यूब एंड मोनोक्रोम ट्यूब दैट इज यूज 3 beam आर फॉर्म इंटरसिटी ऑफ द जस्ट वन। इसका जो मेन जो अंतर होता है दोनों के बीच में वह ट्यूब और मोनोक्रोम का जो 3 beam होता है उसी को बनाने के क्रम में होता है। चलिए इसका ब्लॉक टाइम डायग्राम जो है यह है फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा होगा, इमेज साइड क्वालिटी इतनी कम है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द कंपेरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। यह एग्जाम पर्पज से VVI क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेंगे। चलिए हम इसका अंतर देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन इधर है और मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन इधर है। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन में
बीम डिफ्लेक्शन एंगल इज लेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन में जो होता है, जो बीम एंगल जो होता है वह कम होता है किसके अपेक्षा, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन के अपेक्षा। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिफ्लेक्शन वोल्टेज ईडी, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन जो होता है वह सेंसिटिविटी जो होता है वह स्वतंत्र होता है डिफ्लेक्शन वोल्टेज से, और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन में सेंसिटिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इंटेंसिटी, और इसमें इंटेंसिटी से स्वतंत्र होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन में होता है जो तीन नंबर है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन वोल्टेज ई ए, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफ्लेक्शन में सेंसिटिविटी जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है त्वरण वोल्टेज के, और डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन में होता है सेंसिटिविटी वह स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन वोल्टेज, यानी त्वरण का जो स्क्वायर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बराबर होता है। चार नंबर है कि एस इज यानी सेंसिटिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पैरामीटर, यह जो होता है जो परिमिति इलेक्ट्रॉन का होता है उससे भी यह स्वतंत्र होता है, और इसमें सेंसिटिविटी इज डिपेंड ऑन रेशियो, एंड मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन में सेंसिटिविटी जो होता है वह आधारित होता है रेशियो पर। पांच नंबर है डिफ्लेक्शन ऑफ ऑन द स्क्रीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड एंड कैन यूज मेजर वोल्टेज, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफ्लेक्शन है इसमें इसमें जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी बराबर होता है या वोल्टेज अप्लाई जितना मैंने वोल्टेज अप्लाई किया था उसके बराबर, और डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड नॉट यूजफुल मेजर पर्पस। मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है जो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बी के, और इसका उपयोग मेजरमेंट के दृष्टि से नहीं किया जाता है। हम लोग सिर्फ मेन मेन इसमें अंतर देख लेते हैं। ग्यारह नंबर खबर है वेरी लार्ज बैंडविड्थ अप टू 350 मेगाहर्ट्ज आर पॉसिबल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो डिफ्लेक्शन है उसमें बैंडविड्थ की जो होता है वह रेंज वह 350 मेगाहर्ट्ज तक पॉसिबल है, और लिमिट बीइंग द कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट, दोनों के बीच में जो होता है कैपेसिटेंस वह सेगमेंट प्लेट आर यूज फॉर लार्ज बैंडविड्थ, यानी कि जो 350 मेगाहर्ट्ज जो दोनों कैपेसिटेंस के बीच के होता है वो पॉसिबल, और सेगमेंट प्लेट इसमें लार्ज बैंडविड्थ के लिए किया जाता है, और हमारा मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन में बैंडविड्थ इज स्मॉल विच द ऑर्डर ऑफ 10 किलोहर्ट्ज, यानी कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन में जो होता है बैंडविड्थ वह 10 किलोहर्ट्ज से कम होता है ऑन अकाउंट ऑफ एलिमिनेशन बाय द इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल टीवी बैंडविड्थ इज लेस देन 20 किलोहर्ट्ज, और मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन जो होता है टीवी बैंडविड्थ वह 20 किलोहर्ट्ज से कम होता है, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पाल इनकोडर एंड इट वर्किंग प्रिंसिपल, तो चलिए पाल इनकोडर के बारे में हम पहले जान लेते हैं उसके बाद वर्किंग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पाल इनकोडर इज शो इन फिगर, यानी नीचे जो फिगर दिया गया है इसमें ब्लॉक डायग्राम पाल इनकोडर को शो किया गया है। इट यूज टू गामा करेक्ट आरजीबी सिग्नल, यह जो होता है यूज करता है वह गामा करेंट का आरजीबी सिग्नल का उपयोग करता है। फ्रॉम द कैमरा ट्यूब ऑल्सो इनपुट एंड प्रोड्यूस द कंपोजिट कलर वीडियो सिग्नल इट आउटपुट, यह आउटपुट के रूप में कैमरा ट्यूब जो होता है वह इनपुट को प्रोड्यूस करता है और कंपोजिट कलर सिग्नल यानी कलर मिक्स कर देता है कलर को, और अच्छा एक मतलब अच्छा फोटो प्रोवाइड करता है यानी वीडियो।
गामा कनेक्टेड आरजीबी सिग्नल आर रिप्लाई टू द वाई मैट्रिक्स विच इज रेसिस्टिव वर्क, यह जो रेसिस्टिव वर्क करता है, और इसमें गामा सिग्नल जो होता है वह वाई मैट्रिक्स पर अप्लाइड होता है। ये तीन गो मैट्रिक्स है, वाई मैट्रिक्स यहाँ पे, बी मैट्रिक्स यहाँ पे, यू मैट्रिक्स यहाँ पर, आरजीबी यहाँ पर है। ये दोनों के बीच 1.2 मेगाहर्ट्ज होता है। जब भी 1.2 मेगाहर्ट्ज है जो आउटपुट होता है पाल सिस्टम का, वो यहाँ आएगा। सब कैरियर का जो यहाँ पर होता है वो 7.8 किलो हर्ट्ज होता है। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि फिगर बनाने में आसानी होगी, या आप वीडियो को रोक कर भी बना सकते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्नस्टाइल एरे एंटेना। टर्नस्टाइल एरे एंटेना का वर्किंग बताना है। तो द टर्नस्टाइल एंटेना इज अनदर टाइप ऑफ एरे एंटेना, यानी एरे एंटेना का यह दूसरा एक टर्नस्टाइल एंटेना टाइप है। द शेप ऑफ द एरे सिंबलाइज द टर्नस्टाइल विच इज यूज एट द इंटरेंस ऑफ फ्यू प्लेस, और यह कमी स्थान को मतलब उपयोग करता है, छेकता है। दिस एंटेना हैव वाइड वेटली एंड मिलिट्री एप्लीकेशन, यह इसका जो मतलब एंटेना होता है वह कम चौड़ा यानी कि वाइडली एंड मिलिट्री में इसका उपयोग किया जाता है। फ्रीक्वेंसी रेंज देख लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी रेंज इज विच ऑफ द टर्नस्टाइल एंटेना ऑपरेट इज अराउंड 30 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है टर्नस्टाइल एंटेना का वो 30 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है। विच बिलोंग द VHF एंड UHF बैंड, ये जो होता है जो VHF बैंड और UHF बैंड का उपयोग करता है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टर्नस्टाइल एंटेना। टू आइडेंटिकल हाफ वेव डाइपोल आर प्लेस्ड एट राइट एंगल, यानी कि ये जो 90 डिग्री के एंगल पर जो होता है इसके डाइपोल को दो गो, वो भी हाफ वेव का मतलब वो लगाया जाता है। अदर एंड आर फेड इन फेज, दिस डाइपोल आर एक्साइटेड 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ इच अदर, या 90 डिग्री के बीच में लगाया जाता है। टर्नस्टाइल एरे कैन ऑल्सो बी टर्न एज क्रॉस डाइपोल एरे। टर्नस्टाइल एरे जो होता है वह क्रॉस डाइपोल एरे के बीच में भी हो सकता है। यह होता है टर्नस्टाइल, यह जो है वह 90 डिग्री, देखिए यह एक केंद्र हो गया, यहाँ से 90 डिग्री इधर, यहाँ से 90 डिग्री इधर, इधर इधर, इधर यह सब एरे एंटेना है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, वाई इज नेगेटिव एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन इज प्रिफर्ड ओवर पॉजिटिव मॉडुलेशन, यह भी यही क्वेश्चन है एग्जाम भी से। तो चलिए देख लेते हैं इसको। वी यूज AM यानी एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन फॉर वीडियो सिग्नल, इसका उपयोग हम लोग वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। जनरली द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल भीखा वर्षा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव मॉडुलेशन। और यह जो होता है जो कैरियर एम्पलीट्यूड कैरियर जो होता है इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के साथ ही एम्पलीट्यूड भी इसका सिग्नल जो होता है भीखा वर्षा वो भी इंक्रीज हो जाता है, इसे हम पॉजिटिव मॉडुलेशन कहते हैं। एम्पलीट्यूड इज एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन इज अफेक्टेड बाई नॉइज जनरली, या नॉइज से प्रभावित होता है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। व्हेन ऑकर्ड टेंड टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटर सिग्नल, यानी कि मॉडुलेटर जो सिग्नल होता है उसका एम्पलीट्यूड को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। दिस इंक्रीज कॉज ब्राइट ब्लड एन स्पॉट ऑन द स्क्रीन व्हेन इवर नॉइज ऑकर, टू ओवरकम्स दिस नेगेटिव मॉडुलेशन इज फॉलो,
यानी कि जैसे ही इंक्रीज किया जाता है इसका इंक्रीज मतलब बल्ब्स का ब्राइट को स्क्रीन पर, तो यह नॉइज उत्पन्न करता है जिसके चलते यह निगेटिव मॉड्यूलेशन फॉलो करता है, मतलब निगेटिव मॉड्यूलेशन हो जाता है। यह 6:9 पूछा था इसलिए हम लोग इसका एडवांटेज एडवांटेज भी लिखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसका डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव मॉड्यूलेशन। पॉजिटिव मॉड्यूलेशन का जो है इफेक्टेड बाय नॉइज, पॉजिटिव मॉड्यूलेशन जो होता है वह नॉइज से प्रभावित होता है। इफेक्टेड ऑफ नॉइज इज मिनिमाइज, इसमें नॉइज से जो है मिनिमाइज हो जाता है। पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में ब्राइट बल्ब स्पॉट अपीयर ऑन द स्क्रीन ड्यू टू नॉइज, नॉइज के जरिए जो ब्राइट बल्ब को स्क्रीन पर अपीयर कर देता है। बल्कि निगेटिव में नो ब्राइट स्पॉट अपीयर ड्यू टू नॉइज, निगेटिव में ऐसा कोई घटना नहीं होता। एक द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इंक्रीज विद दैट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसमें जो पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है उसमें तात्क्षणिक एम्पलीट्यूड जो होता है जो कैरियर बढ़ाते हैं उसके साथ ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बढ़ जाता है। इंस्टेंटेनियस में भी इंस्टेंटेनियस में घट जाता है डिक्रीज। आगे कह रहा है आर एफ नॉइज पल्स कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन पिक्चर, आर एफ जो नॉइज होता है जो पिक्चर पर प्रभावित करता है, इसमें जो होता है इसमें प्रभावित नहीं करता। पिक ट्रांसमीटर पावर इज लेस, और यह जो पॉजिटिव जो होता है उसमें पिक ट्रांसमीटर जो होता है वो कम होता है पावर से और इसमें अधिक होता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये जिस सर्किट डज नॉट हैव ए स्टेबल रेफरेंस लेवल, इसमें स्टेबल नहीं होता है रेफरेंस लेवल और इसमें स्टेबल होता है। चलिए ये अंतर हम लोग देख लिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइट टेक्निकल नोट ऑन द एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कम से कम दो गो आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कौन सा क्वेश्चन है, घोस्ट इंटरफेरेंस। ये 2018 का सॉल्यूशन चल रहा है, 6 नंबर का जो पूछता है उस, यानी घोस्ट इंटरफेरेंस का अर्थ होगा कि देखिएगा आपका डिवाइस है टीवी, मतलब आप रिमोट को मतलब आप प्रेस भी नहीं कीजिएगा दबिएगा भी नहीं तब अपने आप भी कोई कोई फोल्डर खुल जाता है, उसी को घोस्ट इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये कह रहा है द घोस्ट इंटरफेरेंस ऑब्जर्व फॉर इन टेंगल फोटोन इन थियोरेटिकली एनालाइज यूजिंग वेव इफेक्ट डायनेमिक्स, यानी कि जो घोस्ट इंटरफेरेंस जो होता है वह ऑब्जर्व करता है फोटो इन एंगल फोटो फोटोन को और वेव पैकेट को डायनेमिक की तरह प्रभावित करता है। इट इज शो दैट घोस्ट इंटरफेरेंस इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वर्चुअल डबल स्प्लिट स्लिट क्रिएशन ड्यू टू इंटेंगलमेंट एंड क्वांटम इरेजर ऑफ विच पाथ इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरफेरिंग फोटोन, यानी जो इसका सबका अर्थ हुआ कि जैसे यह फोटो को जो होता है यानी पिक्चर को बढ़िया तरीके से दिखा नहीं पाता है, जैसे देखिए आपको इस तरह से दिखाई देगा दोधरा कौन फ्रेश दिखाई नहीं देगा, इसी को घोस्ट प्रॉब्लम कहते हैं। और अपने आप फोल्डर का भी खोलना घोस्ट प्रॉब्लम है डिफरेंस। 2 नंबर हमारा है बैलून, दिस ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज बैलून एंड दे आर इज ऑपरेशन इन एनीथिंग ऑफ टेलीफोन लाइन ट्रांसमीटर, यानी कि जो बैलून जो होता है इसका टेलीफोन लाइन में भी ट्रांसमीटर के रूप में उपयोग किया जाता है। बैलून आर यूज बोथ स्पॉट आउट ऑफ फॉलो ऑफ एसी सिग्नल एंड मेक नेसेसरी इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कोएक्सियल केबल, यह जो होता है इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन और कोएक्सियल केबल के बीच जो होता है वह एसी सिग्नल को प्रोवाइड करता है एंड बनाए रखता है। यह कह रहा है विच हैज
विच हैज ए लो इम्पीडेंस, इसमें कम इम्पीडेंस होते हैं, एंड बैलेंस लोड, मानी बैलेंस लोड और इम्पीडेंस कम होता है, विच हैव हायर इम्पीडेंसेज, मैंने जिसमें हायर इम्पीडेंसेज जो होता है उसमें लो इम्पीडेंस और बैलेंस को बनाए रखता है। अगला है बूस्टर एम्पलीफायर, तो बूस्टर एम्पलीफायर एन एम्पलीफायर फॉर रिस्टोरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसमीटर सिग्नल, यानी ट्रांसमीटर सिग्नल को रिस्टोर करता है। बूस्टर स्टेशन रिले लिंक, रिले स्टेशन, रिले ट्रांसमीटर, बूस्टर एम्पलीफायर। जो बूस्टर एक वो स्टेशन होता है जो रिले को लिंक करता है और रिले स्टेशन को लिंक करता है और रिले ट्रांसमीटर को और बूस्टर एम्पलीफायर को भी लिंक करता है। आगे करा है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट ऑफ दैट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल पासिंग थ्रू इट, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मतलब डिवाइस से यह सिग्नल को बढ़ाता है और इसके थ्रू पास करता है यानी जाता है। तो यह 2018 का जो 6 नंबर में पूछता है वो क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरे ईयर का क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। एक सूचना है कि ऑब्जेक्टिव का जो आप लोग बात कर रहे थे वह हम एक सीरीज बना रहे हैं, यानी कि एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव को दे देंगे, इसे अलग अलग वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, थोड़ा 4-5 दिन बाद उसको भी डाल दिया जाएगा। वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट भी कीजिए, कुछ वीडियो में सुधार करना हो तो। चलिए, धन्यवाद।